तो ये महाराज जी की आप गुफा देख सकते हैं, काफी गहरी गुफा है और हम गुफा के अंदर जा रहे हैं और महाराज जी के दर्शन आपको करवाते हैं। ये देखिए नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। ये देखिए दोस्तों महाराज जी भजन साधना गुफा के अंदर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। सीताराम महाराज जी, सीताराम सीताराम सीताराम। महाराज जी आप गुफा में भी भजन करते हैं, हाँ राम जी, ठंडी तो यहाँ महाराज जी ठंडी नहीं लगती? कम लगती है, गर्मी महाराज जी? गर्मियों का जैसे कम लगती है। हाँ अच्छा, और यहाँ डिस्टर्ब भी नहीं होता? डिस्टर्ब नहीं होता है। अच्छा, तो आइए चलते हैं दोस्तों गुफा के बाहर। महाराज जी अपना भजन साधना कर रहे हैं, तो देखा आपने किस तरह से संत अपना भजन साधना करते हैं गुफाओं में, कहीं कंदराओं में, कहीं पहाड़ों में, कहीं जंगलों में। आज आपको एक ऐसे संत के दर्शन कराने वाले हैं जो बहुत ही सरल हृदय संत हैं और चित्रकूट के निकट एक पहाड़ी में कुटिया बनाकर रहते हैं। अभी हम पहाड़ी के ऊपर आ गए हैं, आप पहाड़ी के नीचे के दृश्य देखकर अंदाजा लगा सकते हैं हम काफी ऊंचाई में खड़े हैं। और इस साइड महाराज जी की कुटिया है, सामने दिखाई दे रही है, तो आइए चलते हैं सीधा कुटिया की ओर। महाराज जी कंडे बनाए हुए हैं और ये महाराज जी आश्रम परिसर में एक गाय भी रखे हैं और गाय के लिए इधर एक कुटिया बनी हुई है टीन शेड और लकड़ियों से, और ये महाराज जी की कुटिया है। ये कुटिया का प्रवेश द्वार है महाराज जी का, आइए अंदर चलकर देखते हैं कि महाराज जी क्या कर रहे हैं। सीताराम महाराज जी, सीताराम सीताराम सीताराम। महाराज जी क्या बना रहे हैं? सब्जी बना रहे हैं। सब्जी? हाँ। काहे की बन रही महाराज जी? आलू डाल रहे हैं, बेसन। अच्छा बेसन है ये? हाँ। तो बेसन भी पड़ता है महाराज जी? अरे डाल देंगे, हो गया। अच्छा हाँ, टमाटर नहीं है, अच्छा साधु जीवन है। हाँ अच्छा ये नहीं डालते लहसुन प्याज? कुछ नहीं हाँ डालते? कुछ नहीं, सादा तो महाराज जी क्यों नहीं डालते, मतलब कुछ नहीं डाला जाता है। नहीं डाला जाता? हाँ लहसुन गर्म होती है तो अच्छा विषैली चीजों से साधु को बचना चाहिए। अच्छा हाँ। और महाराज जी क्या बनाएंगे, महाप्रसाद बनाएंगे। मतलब सब्जी बनाएंगे और टिक्कड़ बनेगा कि हाँ टिक्कड़ बनेगा, महाप्रसाद बनाएंगे। महाप्रसाद? महाराज जी क्या होता है? चावल को महाप्रसाद कहते हैं, दाल को वैकुंठी कहते हैं। अच्छा हाँ महाराज जी सब्जी को क्या बोलते हैं? सब्जी सब्जी है, अच्छा और भाषा है तो अलग है, सब्जी सब्जी। और टिक्कड़ को महाराज जी? फुलका भी कहते हैं। अच्छा हाँ कहीं कहीं महाराज जी पानी को पताल में वो बोलते हैं संत हाँ भाषा है जी। जगह की राम जी। महाराज जी आपका आश्रम काफी ऊंचाई में है, हाँ ये नहीं जानते हैं, यहाँ से नहीं उतर करके जाते हैं, कहीं यहाँ से कभी उतरते ही नहीं है? उतरते हैं बहुत कम। बहुत कम? हाँ हाँ ये नहीं जानते हैं क्या है, अच्छा किसी का बनाया नहीं पाते हैं, मांगने कहीं जाते नहीं, मांगने से कोई मतलब नहीं है, अच्छा भजन करने से मतलब है, बनाया खाया जो पाया हो गया। और यहाँ पर महाराज जी कौन से देवता बैठे हैं? अंदर देखो सिद्ध कौन से देवता है महाराज जी? बाबा। सिद्ध बाबा हैं। महाराज जी के आश्रम परिसर में ही सिद्ध बाबा का स्थान भी है दोस्तों, ये देखो ये महाराज जी सिद्ध बाबा के आश्रम में, सिद्ध बाबा की पहाड़ी में रहकर भजन साधना करते हैं, यही स्थान है महाराज जी? हाँ ये है और अंदर है अच्छा इधर क्या है? सिद्ध बाबा, वो सामने बैठे हैं। अच्छा इधर आए सिद्ध बाबा? हाँ अच्छा हाँ ये देखिए दोस्तों दर्शन करिए सिद्ध बाबा के, ये है महाराज जी सिद्ध बाबा। ये सिद्ध बाबा हैं, ये बजरंग बली हैं। अच्छा इधर, तो कितना पुराना स्थान है महाराज जी? ये 15-20 साल हो गए एक संत रहते थे, उनकी अच्छा पहले भी फोटो दिखा रहे हैं। यहाँ रहते थे? अच्छा हाँ तो महाराज जी गुफा में भी भजन साधना करते हैं, आपको महाराज जी की गुफा दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों ये महाराज जी गुफा के अंदर जा रहे हैं और पीछे पीछे हम भी जाएंगे। ये देखिए ये है गुफा महाराज जी आपकी, ये देखे दोस्तों
महाराज जी की गुफा है और काफी गहराई में है। यहाँ महाराज जी ठंडी नहीं लगती होगी, गर्मी? गर्मी नहीं लगे। ठंडी महाराज जी कम लगती है कि ज्यादा? नहीं, कम लगती है। यहाँ कम लगती है, गर्मी भी यहाँ नहीं लगती है अभी। अच्छा, भजन करने में महाराज जी यहाँ आनंद ज्यादा आता होगा। महाराज जी अब चलिए गुफा के बाहर। दोस्तों अब हम गुफा के बाहर जा रहे हैं, ये देखें गुफा के अंदर ठंडक नहीं लग रही है, गर्मी लग रही है। हम भरोसे दे रहे हैं तो पर्वत पर हरियाणा और तुलसी बिरवा बागमा सिंचे से कुमलाएं। राम भरोसे जैसे साधु जीवन है तो राम भरोसे तो वा खेती किसानी का है, वो के कुछ तो नहीं लगा जी। तो राम भरोसे तो ये संत रहता है, संत को चाहे जहाँ पर आ जाओ नहीं मालूम होता है। रात में वो लेट गया, कैसी जगह है क्या है, कोई आएगा वो डरेगा नहीं, उससे बात करेगा, भूत हो प्रेत हो कुछ हो वो भगवान का ढूंढत है। हमें लगे रात के भूत आ जाए तो दौड़ के ग्वाल पकड़ब हो गए। महाराज जी कोई कोई कहता है कि हम भगवान का बढ़िया भजन करते हैं फिर भी हमारे ऊपर समस्या के ऊपर समस्या रहती है। नहीं, वो समस्या ऐसी है कि तीन युग का इकट्ठा होता है, वो जल में जो किया तो आप पाओगे, जो किया तो पाओगे, अब जो करोगे तो आगे पाओगे, अब जो करोगे तो आगे पाओगे। सकल पदारक है यह जग माही, कर्म ही नर पावत नहीं, कर्म जैसे करोगे वैसे होगा। दुख जो लिखा है तो कटेगा, ऐसा नहीं होगा कि तुम भजन करो तो तुम्हारा सब माफ हो जाए। वो जलम का जुहान धरा है, क्या प्रभु को भूल जाते का कि को आँखी न दे लांगर कही दे चित्रकूट में पाए रहा थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप मारोगे सताओगे उस जन्म कुछ किसी को, अच्छा नहीं करोगे तो जब दूसरा अवतार हो आएगा तब आप बने बनाए उसी तरह आ जाओगे। ये सब ऐसा नहीं है, इस जन्म की कमाई उस जन्म जाती क्यों नहीं है, तो यही जाएगी। मार पीट जा को हुका हुआ चाह जाये, रुपया पैसा न जाये। अच्छा, होकर सताई हो बताई हो कुछ करी हो नुकसान करी हो आकर अनभल तक हो कतल के हो डकैती लाओ चोरी के हो कुछ के हो तो भजन के है माफ हो पर बिल्कुल समूच न चाह जाये। अच्छा, कुछ भोग न पड़ेगा, भोग न पड़ेगा। अच्छा महाराज जी, जैसे साधु संतों को लोग दूर दूर से आते हैं, दान पुण्य देते हैं जो जिसकी इच्छा होती है, और वो साधु लोग अपने जैसे घर में लगा दिए तो क्या देने वाले को क्या होता है, लेने वाले कहते हैं कि दान देना चाहिए तो समझ करके देना चाहिए कि कौन हजम कर सकता है उसको दे दो। अच्छा, तो सही है। अजो वो तुम्हारे दान धर्म में लेके दारू पी और गरियाई तो तुम्हारा पुरखाना रत में गे तुम गए ऐसे चीन कर जाओ। तो मांगे वाले जितने पारे हैं सब ऐस करत ही, सबका सब कुछ है मंगता जी। पर लेकिन दानी जाऊँ आओ थे तो मंगतन का दई गई साधु का न दे जी। साधु जाऊँ वही से दंडोती लगाओ तो वही अगरबत्ती का न दे है, मंगता अगर दौगे थे तो वही 10 करोड़ दे जी। और वही न दे है, कलयुग का प्रमाण है कि जो मांगेगा तो वो कहा थे मांगत है तो मांगे वाले का दिहिस। वो ये नहीं जाने पाता कि कहाँ उद्धार है। जो कोई अगरबत्ती दे जाते भंडारा जिसे होते हैं तो कोई समझेगा कि भंडारा हुआ थे तो वो घी दे दीस शामिल कर दीस, तो आपके समाहित नहीं है पूरा भंडारा करें का। पर जो तुम शामिल कर रहे हो अच्छे हिसाब से दिमाग से तो जो 1000-2000 आदमी खाएगा तो तुम्हारा अलग ना भसम मामसा है, तो वो सपोर्ट तो हो गए, इसलिए देते हैं भंडारा में शामिल करते हैं कि आज कितना बड़ा भंडारा हो जाए तो मारा वही मचा आ जाये, 4 जने खाई है। जैसे महाराज जी कोई संत का भेष दे के दान दे देते हैं और वो नहीं समझते कि वो अलग है, क्या करेंगे, वो अपराध है, वो धन बेकार चला गया। लेकिन देने वाले को यदि नहीं बहुत बहुत देते हैं जी, कुछ को किसी को मालूम है तो ये कहते मांगत तो है जी, तो मांगे के तो वो तुम्हारा राजगद्दी मांगे थे तो दे जाओ, मतलब कहाँ का जी। पर वही जाओ कि जाऊ ले तो तुम्हारा नाव ले है, और जो साधु बना करके खाता प्रसाद करता है तो जब भोग लगाता है तो खिलाने पिलाने वाले की जय हो। अच्छा, ये किसका आता है किसका क्या आ गया है, वो साधु उसका नहीं खाता है, उसको पहले देता है।
जिसे का चुन उसी का पुन खिलाने पिलाने वाले की जय हो। अब हम नहीं जानी चाह कि क्या कर आगा, कहाँ से आगा, कर सत आगा, तो उसको देंगे, गुरु को देंगे, फिर जो सेवा भाव करेंगे वो हमें बचेगा। ऐसा नहीं है हूं कि खा लान पाए रहन को उदय जाए, उसका रंग परी होके नाव से, वह का नाव ले परी, बिना नाव ले वो खा नहीं सकत, वह कर जो साधु हो। मतलब आप जो भजन करेंगे और जिसका दिया खाएंगे तो उधर भी भजन जाएगा, उधर जाएगा, देना चाहिए, नहीं अपराध है। हाँ, ये नहीं कि पागल नौकर छह साले ने दिया। जैसे महाराज जी अपने घर में लगा दिया संत, तो फिर तो संत घर में लगा दिया तो वो तो भ्रष्ट होगा, तो परिवारों का भ्रष्ट कर दी। अच्छा, और देने वाले को महाराज जी, देने वाले का कुछ स्वार्थ नहीं है। अच्छा, हाँ, तो बिना चिन्हे कसर दे जी, जी, जी। का चिन्हे ना चिन्ह लाव चाहिए ना जी, जी। सबसे अधिक दारू पीने से बचना चाहिए। किसी को दे दिया, कोई संत दारू पिए थे, वो संध्या के उपाय बना है, फिर वो घर बहन का गरियाव थे, चार जने का गरियाव थे, तुम दे दे रूपरेखा बढ़िया बना है वह। बहुत संत चित्रकूट में देखा कि वो मार के निकारे गए, थे आगे कुछ दिन में वही था, कहीं पैसा जुहा गया तो दारू पी लिये, तो ऐसे को धन देने से बहुत हानि होती है। अच्छा, तो धन भी सार्थक नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ। चाहिए। और साधु की रास्ताएं क्या है, किस रास्ता से जाना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए जी। हमें साधन में बैठे थे तो हमें कहू का धक्का ना लागे जी, है जो धक्का लागे तो मर्द बैठ होते तो सही है, चल जाइए। और अगर साधन में औरत बैठ हो हमारे बगल से, अच्छा है औरत, तो जो हमारे वो शकील के दूरी बैठी तो हम उठा बैठ सकी थे। अच्छा, और जो वो दाब के बैठी तो हम उसे भैया किराया तय अपन ले ले बैठ गए रहे हैं, तब हम जाए थे कहे महाराज हाँ ना बैठ पाओ, ज्यादा ना कही पाओ। रोकन मना लागती तबियत बिगड़ जाती बस वही का। अच्छा, हाँ, गृहस्थी जहाँ अधिक ही बहुत ही अपन कुवत कहा बोले का करे, हुआ वहाँ आत्मा नहीं जाती है, वहाँ नहीं ठहर सकते हैं अकेले एकांत। अच्छा, क्या कोई खाए है, क्या पिए है, क्या नशा किए है, कैसा क्या है जी, जी, जी। कैसा उसका वातावरण है, इसीलिए तो सब बरकाव होता है। कुछ नहीं जानते हैं क्या है अन्न छोड़ करके। अच्छा, बचपन से अलग काम है कुछ रहा है क्या? ये थाली महाराज जी का है कि है? ये थाली पीतल की है, ये भगवान का भोग इसमें लगाएंगे, अब भोग लगा करके फिर इसके बाद अपनी थाली में रख करके प्रसाद पाएंगे, इसमें प्रसाद नहीं पाएंगे। ये भगवान के लिए है? ये भगवान की है। अच्छा, दोस्तों महाराज जी ने अपना भोजन प्रसाद बना लिए है और भगवान को भोग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। महाराज जी भगवान का भोग ये पीतल के बर्तन में लगाते हैं और अपना प्रसाद के लिए वो टाठी बगल में रखे हुए हैं। महाराज जी ये तुलसी पत्ता क्यों डालते हैं? जिसमें भगवान आते हैं। अच्छा, ये भगवान को चढ़ती है जी। अच्छा, पानी भी एक गिलास में रख लिए। पूरा प्रसाद जो बना सब इसमें पड़ेगा जी। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हम आपको दिखाएंगे कि महाराज जी कैसे भगवान का भोग लगाते हैं। सिद्ध बाबा के स्थान में जाएंगे पहले। गुरुदेव भगवान की जय, ठाकुर जी महाराज की जय।
सिद्ध बाबा महाराज तो देखा दोस्तों पहाड़ों कंदराओं में गुफाओं में बैठकर किस तरह से महाराज जी अपनी भजन साधना करते हैं, साधु संत किस तरह से अपनी भजन साधना करते हैं। तो दोस्तों संतों की तपस्थली का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।